हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वीटी और मेरे साथ वी नो मैट्स पे। दिनांग सिटी वाज आवर सेकंड स्टॉप इन आवर टूर टू वियतनाम। दिनांग सिटी अपनी बीचेस के लिए जाना जाता है और अब बाना हिल्स के लिए भी जाना जाता है। बाना हिल्स एक हिल स्टेशन था, लेकिन अब ये सन वर्ल्ड थीम पार्क के लिए जाना जाता है। सन वर्ल्ड इज अ थीम पार्क, बट इट्स ऑल्सो एवर एक्सपेंडिंग मेज which we'll try to explore for you। केबल कार स्टेशन पहुंचने की पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं। So we need to take a cable car to take us up to the Bana Hills। So stay tuned। 5 केबल कार्स हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, पर मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझसे बोला नहीं जाएगा। इससे पहले कि आपको मैं केबल कार के बारे में बताऊं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ये केबल कार्स अपने आप में एक पजल हैं। चलिए अब केबल कार की पजल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 5 केबल कार हैं, जिसमें से हम 3 ही देख पाते हैं। पहली केबल कार हमें फर्स्ट स्टॉप पे लेके जाती है, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। गेस व्हाट, दूसरी केबल कार हमें फर्स्ट स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक लेकर जाती है, जो हम आपको दिखाएंगे। तीसरी केबल हमें ऊपर से शाम को वापस नीचे लेकर आती है। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि हम किस केबल में बैठते हैं, हमें स्टाफ गाइड करता है और हम उस केबल में बैठ जाते हैं। केबल कार से आपको दिनांग सिटी और उसके आसपास के अनटच्ड फॉरेस्ट का बहुत ही खूबसूरत और शानदार व्यू दिखते हैं। दिस केबल कार ऑल्सो होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप सिंगल ट्रैक केबल कार। आइए पहला स्टॉप देखते हैं, जो कि गोल्डन ब्रिज है और ये वियतनाम का अब सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। It is one of the most recent attractions in Bana Hills. I think it opened in 2019. Golden Bridge पर आने का सबसे अच्छा टाइम सुबह के 7:30 बजे है, जब पार्क खुलता है, या इवनिंग में जब पार्क बंद हो रहा है। गोल्डन ब्रिज से निकलकर जब आप दूसरे केबल कार की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में पार्क्स आते हैं, जो थीम पार्क्स हैं, बहुत ही सुंदर हैं। अक्टूबर होने की वजह से वन ऑफ द थीम वाज हेलोवीन। गार्डन्स क्रॉस करने के बाद हम अपनी दूसरी केबल लेते हैं, जो हमें फ्रेंच विलेज को लेकर जाती है। वैक्स म्यूज़ियम एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन थी जो हमने नहीं देखा, क्योंकि हमने पहले से ही बहुत वैक्स म्यूज़ियम देखे हुए हैं और उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं। फ्रेंच विलेज इज एक्चुअली डिज़ाइन बेस्ड ऑन एक्चुअल प्लेसेस इन फ्रांस, सो दे रिजेंबल क्वाइट अ बिट ऑफ प्लेसेस इन फ्रांस। आइए अब वाइन सेलार देखते हैं, जो कि 1923 में बनी थी और ओरिजिनल बाना हिल्स की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्लेस है। अगर आप वाइन के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देके अलग अलग तरह की वाइन्स ट्राई कर सकते हैं। मुझे लेकिन वाइन समझ में नहीं आती, तो मैंने ट्राई नहीं किया। और ये है अल्पाइन राइड, यहाँ की सबसे बढ़िया अट्रैक्शन। काफ़ी लंबी लाइनें होती हैं, 2 तरह के ट्रैक्स हैं। एक ही ट्रैक करने में इतना टाइम लग जाता है कि दूसरे का मौका नहीं आता। ये राइड एक रिकॉर्डधारी राइड है, इससे स्लो राइड आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। अगर आपको मिले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। नेक्स्ट आता है फैंटेसी पार्क, जिसमें ये एक इकलौती राइड है और खूब सारी आर्केड गेम्स हैं। My favorite in the fantasy park was the rock climbing, of course. And as the old saying goes, slow and steady wins the race. यहाँ पे काफ़ी सारी आर्केड गेम्स हैं, आप देख ही सकते हैं, और यहाँ पे एक आर्केड गेम का इन्होंने खूब मज़ा उठाया। सब आर्केड गेम्स पे एक्स्ट्रा चार्ज है।
tips for Bana Hills: come early, leave late. You need a lot of time at this place. Don't forget to bring your warm clothes. फोटो खिंचवाने के लिए बहुत ही प्यारा सा लव ब्रिज है, इसे मिस मत करिएगा. लेट मी लीव यू विद mesmerizing व्यूज फ्रॉम द गोल्डन ब्रिज एंड डोंट forget टू लाइक एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.